हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। दोस्तों अभी जो देख रहे हो मेरे पीछे, ये है सियाज, मारुति की सियाज है जो एक्सीडेंट होकर आई है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। सो बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, जो राइट साइड का क्वार्टर पैनल देख सकते हो पूरा ये चिमट गया है पापड़ जैसा एकदम पूरा, ये डिक्की भी पूरा खत्म हो गया। सो चलो बैक कैमरा से मैं दिखाता हूँ साइड से और सामने से, पूरा फ्रेश कंडीशन है, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पीछे का जो हालत हो गया बहुत खतरनाक हो गया, देख सकते हो ये पूरा दब गया है क्वार्टर पैनल, और डिक्की तो पूरा चेंज ही करना पड़ जाएगा। ये लाइट भी टूट गया है, ये देख सकते हो ये डिक्की पूरा ऊपर उठ गया है, पूरा लाइन वैन दब उठ के पूरा खत्म हो गया, मतलब ये क्वार्टर पैनल भी चेंज होगा, और बम्पर देख सकते हो बम्पर दब गया है। सो इसको रिपेयर करेंगे अगर होगा तो, नहीं तो फिर चेंज करेंगे। नहीं, रिपेयर ही होगा। हो सके रिपेयर करेंगे ना। जी रिपेयर करेंगे, देखते हैं रिपेयर होगा तो अच्छा है। लेकिन इतना खतरनाक मार खाने के बाद भी ऊपर का जो देख सकते हो कांच सही है, कुछ भी नहीं हुआ है। सो अब इसमें डेंटिंग काम चलेगा, उससे पहले भी पूरा डिसमेंटल करेंगे, कांच को भी हटाएंगे, उसके बाद डेंटिंग काम चलेगा। हेलो दोस्तों, सो देख सकते हो फाइनली ये डिसमेंटल हो गया, इसमें डेंटिंग काम शुरू हो गया है। जो अंदर जैक वैक लगा हुआ है देख सकते हो, ये रहा जैक लगा हुआ, जैक का प्रेशर से ये पूरा बाहर की ओर खींचा है, जो अभी और भी फिनिशिंग में आएगा अच्छा शेप में पहले की तरह। और ये उठने के बाद इसको क्वार्टर पैनल कटिंग होगा और यहाँ पे क्वार्टर पैनल डलेगा। अभी ये लॉक वॉक का ये सब खोल दिया गया है, जो अभी डायरेक्ट हो गया है। बाकी इसका जो क्वार्टर पैनल है ये रहा आ गया है, इसका डिक्की भी ये रहा, बाकी हिंच वगैरह इसमें भी है, कुछ और भी इसका पार्ट्स वगैरह जैसे लाइट वाइट हो गया इसी सीरीज में, जो भी है हर एक सामान आ गया है, जो बस डेंटिंग होगा, जल्दी से फिटिंग भी होगा, उसके बाद कलर होगा। सो चलो डेंटिंग कैसा होता है होने के बाद दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हो ये क्वार्टर पैनल निकल गया, कटिंग करके यहाँ से निकाल दिया गया है, ये एरिया में जो लगा हुआ था क्वार्टर पैनल वो रहा ये, जो पूरा ये डैमेज है जो चेंज होगा। सो देख सकते हो, और ये जो राउंड शेप है जो थोड़ा थोड़ा दब गया है, इसको पूरा फिनिशिंग मिलेंगे अभी, पूरा फाइल और भी अच्छा से पूरा इसको टूट पीट करके सीधा सपाट करेंगे, उसके बाद इसमें फिटिंग होगा न्यू क्वार्टर पैनल। तो जहाँ तक डैमेज था वहाँ से कटिंग किया गया है, जैसे यहाँ नीचे का और यहाँ से और ऊपर का साइड, यहाँ से ज़्यादा नहीं गया, इधर पूरा फ्रेश पीस है। सो यहाँ से ज्वाइंट होगा, जुड़ेगा, और खैर डिक्की तो न्यू लगेगा। सो चलो अब देखते हैं सेट करने के बाद कैसा होता है। हेलो दोस्तों, सो देख सकते हो ये रहा न्यू डिक्की जो फिर लग गया इसमें, बहुत ही अच्छा से लग गया है, जो अभी पूरा सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, पूरा हर एक लाइन को अच्छे से मिला रहे हैं, देख सकते हो। ये क्वार्टर पैनल भी साइड का फिट हो गया, अभी फाइनल इसमें वेल्डिंग नहीं हुआ है, बत्ती वेल्डिंग यहाँ से कट किया गया और ये ऊपर का यहाँ से। तो अभी पूरा अच्छा से सेटिंग कर रहे हैं, सेट होने के बाद इसमें पूरा अच्छा से पूरा वेल्डिंग करेंगे, पूरा फिनिशिंग के साथ, जो काम ऐसा हो कि पता ना चले कि काम हुआ है। देख सकते हो पूरा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बस कलर उलर होने के बाद तो कम्प्लीट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, सो देख सकते हो फाइनली ये पूरा डेंटिंग कंप्लीट हो गया। सो अब इसमें डिक्की भी सेट हो गया है, देख सकते हो, और डिक्की का अंदर साइड कलर कर देंगे, जो मतलब वाइट वाइट थोड़ा मैच हो जाए, क्योंकि पहले थोड़ा क्या है कि थोड़ा सा ग्रे रहता है, तो इसको थोड़ा वाइट कलर कर दे रहे हैं अंदर डिक्की साइड। और ये क्वार्टर पैनल का साइड में नीचे जो देख रहे हो ये पूरा बॉडी सीलेंट दिए हैं, जो रस्ट ना लगे, पानी वानी से बचे, अच्छा एकदम लगे, जैसे कंपनी का दिया हुआ रहता है वैसे। तो इसमें अभी क्या है कि कलर करेंगे ये, और कलर ये पूरा क्वार्टर पैनल ये अभी बाद में करेंगे, पहले ये नीचे का जो ग्राउंड है, ये नीचे का साइड का ये पूरा का पूरा अच्छा से कलर कर देंगे, उसके बाद इसमें सर्फेसर पड़ेगा, उसके बाद फिर कलर होगा। और ये जो ज्वाइंट है इसमें थोड़ा बहुत पुटिंग वगैरह डाल दिए, यहाँ पे भी पुटिंग वगैरह डाल दिए, जो आप देख सकते हो इसमें। अब इसमें क्या है कि ग्रे सरफेसर पड़ेगा, उसके बाद फिर कलर होगा। सो चलो देखते हैं अब कलर कैसा होता है। सो फाइनली ये पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा सरफेसर भी हो गया, डिक्की का अंदर में भी कलर हो गया, देख सकते हो। अब ये इसका बाहर साइड में पूरा कलर करेंगे, जो पूरा कंप्लीट हो गया है, और ये पूरा का पूरा टेपिंग कर दिए हैं पूरा, ये सब देख सकते हो।
ये सब सरफेशर हुआ है इसीलिए इस तरह लग रहा है, लेकिन कलर चढ़ने के बाद पता नहीं चलेगा, देख सकते हो। और ये बम्पर तो रिपेयर हुआ है, पीछे का देख सकते हो कैसे पूरा फटा फटा था और ये पूरा दब गया था। सो इसको रिपेयर करने के बाद लगभग पूरा सही हो गया है, थोड़ा बहुत पुटिंग डाला उसके बाद फिनिशिंग पूरा ले आए इसको, पूरा घिसाई विसाई करके सरफेशर करके देख सकते हो। सो अब ये कलर करने जा रहे हैं, कलर ऐसा होगा जो पता भी नहीं चलेगा, देख सकते हो। सो चलो अब देखते हैं कैसा होता है कलर। तेरे जा रहे क्या?